हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग टूर शेयर करने वाली हूँ अपने शहर भोपाल का। तो हम अभी जाने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कामों के लिए। एक तो हमें कॉरपोरेट सेक्टर में से इनविटेशन आया है, वहाँ हमने जाना है, वहाँ एक छोटी सी टॉक देनी है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, और उसके बाद हमने अपने डॉक्टर से मिलने जाना है क्योंकि कोविड से हम रिकवर हो चुके हैं लेकिन वो हमसे मिलना चाहते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ देखें आज का मेरा रूटीन कैसा रहा। फ्रेंड्स, अब पहले जैसा टाइम नहीं है कि हम घर से निकल जाएं तो बड़े आराम से चले जाएं, कहीं भी कुछ खा लेंगे। अब जब भी घर से निकलना होता है तो बच्चों के लिए भी कुछ बना के जाना पड़ता है ताकि वो होटल से कोई खाना ना मंगवा लें, और अपने लिए भी साथ में कुछ स्नैक्स, अपना पानी, अपने कॉफ़ी या चाय थर्मस में भर के ले जानी पड़ती है। तो मैं यहाँ फटाफट से बना रही हूँ मूंग दाल के बड़े। मूंग की दाल मैंने सुबह ही भिगो रखी थी, उसमें अदरक, मिर्ची, प्याज, सब लहसुन वगैरह डाल के मैंने उसको मिक्सी में पीस लिया, थोड़ा सा उसमें बेसन मिलाया, और अब मैं बना रही हूँ मूंग दाल के बड़े। आधे बड़े तो मैं बच्चों के लिए पैक करके रख के जाऊँगी ताकि अगर देर हो जाती है तो वो चाय के साथ खा लें, और आधे बड़े मैं अपने साथ पैक करके लेके जाऊँगी। तो कोरोना ने हमारे लाइफस्टाइल को काफ़ी बदल दिया है, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं कि हम लोग हेल्दी खाने के लिए सोच रहे हैं, और नेगेटिव तो आपके सामने है ही हैं। तो ये सारे काम पहले करना पड़ते हैं जब भी घर से बाहर निकलना, और अननेसेसरी तो घर से बाहर निकलना होता ही नहीं है। ये देखें, ये कैसरोल भर के मैं अपने साथ लेके जाऊँगी, और ऐसा ही एक मैंने घर पर बना के रख दिया है। और चलें अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये हमारे शहर भोपाल का एक आउटर एंड है, ये बिल्कुल बाहर का एरिया है, और हम अभी इसको क्रॉस करके मेन सिटी की तरफ जाएंगे। और क्योंकि ये बाहर का इलाका है तो आप यहाँ पे बड़ी सारी गाय भैंसे अक्सर देखते रहते हैं मेरे दूसरे ब्लॉग्स में भी, और यहीं पे रेलवे ट्रैक भी है, बहुत खूबसूरत ये जगह है। अब हम एज यूजुअल सिटी की भीड़ भाड़ में घुस गए हैं। इस इलाके को MP नगर बोलते हैं, और ये बहुत बड़ा और बहुत फेमस कमर्शियल प्लेस है, लेकिन जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे सड़क पे बहुत कम लोग हैं और बिज़नेस भी कुछ खास एक्टिव नहीं है। दुकानें खुली हैं लेकिन लोग दिखाई नहीं देते हैं कहीं पे भी, कस्टमर्स भी नहीं है। आप देखें सब मोस्टली सूना ही पड़ा है, और इसेंशियल सर्विसेज ही चल रही हैं, और अभी काफ़ी सारी दुकानें नहीं भी खुली हैं। हमें आज इनविटेशन है एक होटल में, जस्ट थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पे हमने एक शॉर्ट मीटिंग करनी है जो जस्ट 45 मिनट से ज़्यादा की नहीं है, और उसमें हम यंग बच्चों से मिले जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, और उनको एक छोटी सी टॉक दी हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट की और यूथ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर लव अफेयर्स का टूटना और उसके बाद उनकी सुसाइडल टेंडेंसीज, डिप्रेशन वगैरह पे, उनको सब मैनेज करना सिखाया कि मेडिटेशन से वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, ड्रग्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, लड़कियों ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, लड़के तो ऐसे मुँह फाड़ के सुनते रहे कि अच्छा, उनको बड़ा अजीब लगा कि हम उनकी हर एक्टिविटी को जो बड़े लोग हैं जानते हैं कि वो क्या क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। एक छोटा सा प्रयास था जो हमने किया, और इस समय हम वहाँ से निकल चुके हैं। हमें एक छोटा सा गिफ्ट कम प्राइस भी मिला, एक जो कर्टसी सेक होता है वो मैं आपको भी दिखाऊंगी घर जाकर के। हम इस समय हैं न्यू मार्केट एरिया भोपाल का, ये भी बहुत प्यारा शॉपिंग सेंटर है, और बहुत यहाँ पर रीज़नेबल रेट पर चीज़ें मिल जाती हैं। और न्यू मार्केट के बाद अब हम जाने वाले हैं भोपाल की बहुत फेमस रोड है जिसको कि VIP रोड कहते हैं, और इसके अलावा आपको मैं रास्ते के नज़ारे दिखाती चली जा रही हूँ। आप देखें यहाँ पे रोड के दोनों साइड जो दीवारें होती हैं, नॉर्मली आप किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ पे ऊट पटांग चीज़ें लिखी होती हैं, या पॉलिटिशियंस के पोस्टर्स लगे होते हैं, या कोई एडवर्टाइजमेंट्स के बैनर्स लगे होते हैं, लेकिन भोपाल की गवर्नमेंट बड़ी अलर्ट है, ऐसा कुछ भी जो साइड की बाउंड्री वॉल्स हैं वहाँ पर नहीं होता, बल्कि बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई जाती हैं यहाँ पे, और मोस्टली आर्ट एंड क्राफ्ट को और गार्डनिंग को इस शहर में बहुत इनक्रेज किया जाता है। मैं यहाँ पे पिछले 3 साल से हूँ और मैंने कभी भी यहाँ पे नहीं देखा कि कोई दीवार गंदी हो या उस पर किसी की पब्लिसिटी करी हो या किसी स्कूल की या कॉलेज की। मोस्टली कहीं भी आप जाएंगे साइड वॉल्स पे आपको कोई पेंटर बैठा दिखाई देगा जो बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाएंगे।
तो जैसे मुझे जो भी पेंटिंग दिखेगी मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, और आप मेरी प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं, प्लेसेस टू विजिट इन भोपाल पे, उसमें आपको कई अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी ये देखें फिर कितनी खूबसूरत ये पेंटिंग्स फिर वॉल्स पे बनी हुई हैं, तो इनको देख के प्रेरणा भी मिलती है कि हम भी आर्ट वर्क करें, और मैं भी शुरू कर दी हूँ। ब्रशेज़ एंड पेंट्स मैंने भी उठा लिए हैं, और ये देखें थोड़ा सा क्राउड अभी हो रहा है रोड्स पे, लॉकडाउन खुल चुका है लेकिन बहुत कम लोग आपको सड़कों पे दिखाई देंगे। एक समय होता था जब यहाँ पे जगह नहीं मिलती थी, इतना ट्रैफिक रहता था, और अभी हम पहुँच चुके हैं बड़ा तालाब यानी कि भोपाल की फेमस अपर लेक। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, यहाँ पे बहुत मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ होती हैं, साइड में एक वॉकिंग ट्रैक भी बना है, लोग यहाँ वॉकिंग भी करते हैं, और हमने भी एक दो बार बोटिंग भी करी थी। और ये बड़ा तालाब के ऊपर का ब्रिज है जो कि बहुत बड़ा है, और खूबसूरती देखें कितनी ज़्यादा है। इसको राजा भोज ब्रिज के नाम से भी पुकारा जाता है, राजा भोजपाल जो थे वो भोपाल इस एरिया के बहुत फेमस और बड़े दयालु राजा थे, जिन्होंने हिंदू और मुसलमान यूनिटी के लिए बहुत काम किया था, और इसलिए अभी भी 1000 साल बीतने के बाद भी राजा भोजपाल को यहाँ पे बहुत याद किया जाता है। उन्होंने जो धर्म की और एकता की नींव यहाँ पे बनाई थी वो मेमोरेबल है। अभी हम हैं वीआईपी रोड के बड़ा तालाब के साइड से, ये रोड जाता है और बहुत लंबा रोड है और इतना खूबसूरत लगता है यहाँ पे। इसके यहाँ पे स्पीड लिमिट भी है, आप 60 की स्पीड से ज़्यादा आप चला नहीं सकते हैं, यहाँ पे कैमराज लगे हैं, तो आप अगर तेज़ इससे ज़्यादा चलाएंगे तो फिर आपको ट्रैफिक डिपार्टमेंट से नोटिस मिल जाता है। और एक साइड पे तालाब है और एक साइड पे ये रोड है, और बीच में डिवाइडर, और उसमें बड़े खूबसूरत दरख्त लगे रहते हैं। आए दिन यहाँ पे गार्डनिंग होती रहती है और बहुत मज़ा आता है इस रोड पे चलने का। ठंडी ठंडी हवा चलती है और सामने छोटी छोटी पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, एंड राइट हैंड साइड पे आप देखें बहुत सारे लोगों के घर भी बने हुए हैं, एंड मोस्टली जो वीआईपी लोग हैं वो इस एरिया में रहते हैं, यानी कि पॉलिटिशियंस हुए, बड़े ऑफिसर्स हुए, बिजनेसमैन हुए, इसीलिए इस रोड का नाम वीआईपी रोड ही पड़ गया है। एंड ये सारा का सारा एरिया बहुत ग्रीन है, आप खुद ही देख पा रहे होंगे, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे ड्राइव करने का। एंड अभी भी हम वीआईपी रोड पे, बहुत लंबा ये रोड है, जितना तालाब की लंबाई है उतनी ही इस रोड की लंबाई है, और ये हमें आखिर तक हम जाएंगे रोड के, और उसके बाद फिर हम एक साइड टर्न लेंगे लेफ्ट साइड। ये देखिए अब हमारा वीआईपी रोड ख़त्म हो चुका है एंड हम लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं, और बस यहीं से भोपाल ख़त्म होना लगभग शुरू हो जाता है, और ये वाला रोड हमें इंदौर और उज्जैन की तरफ लेके जाता है, आप देख पा रहे होंगे। और ये रास्ते में कुछ पॉटरी की शॉप थी, यहाँ से मैंने कुछ ये अपने मड की चीज़ें खरीदी, जो कि मैं आपको आने वाले अगले कुछ दिनों में शेयर करूँगी क्या क्या खरीदा। ये यहाँ पे भोपाल में आपको जहाँ तहाँ रोड साइड पॉटरी शॉप मिल जाएंगी, तो यहाँ के लोग बहुत शौकीन हैं प्लांटेशन करने के लिए, गमले बहुत सस्ते दामों पे और बहुत वैरायटी में मिल जाते हैं, सीमेंट के भी, मिट्टी के भी, घड़े भी मिलते हैं, और एक ट्रेडिशनल सा लाइफस्टाइल यहाँ के लोग लीड करते हैं। और मोस्टली घरों में आप देखेंगे ये मिट्टी की चीज़ें बहुत आपको सजावट के फॉर्म में भी देखने को मिलेंगी एंड रसोई में भी यूज़ होती हैं, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें खरीदना, घर में सजाना। और ये तुलसी के पॉट्स देखे कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो ये रहा आज का हमारा ट्रिप, हम अपने डॉक्टर से मिले, वो हमसे मिलके बहुत खुश हुए और हम सभी ने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। और ये छोटा सा हमें गिफ्ट मिला था, 6 हमें ग्लास के बाउल्स और एक बड़ी प्यारी खूबसूरत सी सिल्वर की लक्ष्मी जी की एक छोटी सी ये पिक्चर, जो कि मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। एंड आशा करती हूँ कि लक्ष्मी जी हमारे सभी की लाइफ को ब्लेस करेंगी। ये देखें बहुत प्यारी छोटी सी ये फ़ोटो है, जो कि कहीं पे भी रखी जा सकती है और पूजा घर में भी रखी जा सकती है, और आने वाले फेस्टिवल्स में भी मैं इसको वर्शिप करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नए व्लॉग के साथ। थैंक यू।